आस्था के 105 किलोमीटर के सफर में कांवरियों का तीन रूप देखने को मिलता है। एक तो साधारण से कांवरिया होते हैं जो कि कांधे पे कांवर लेकर के बोलबम का जयकारा लगाते हुए बाबा के दरबार पहुंचते हैं, और दूसरे डाक बम होते हैं जो कि बिना रुके यानी कि दौड़ते दौड़ते बाबा के दरबार की ओर पहुँचते हैं, उन्हें डाक बम कहा जाता है। आज हम आपको तीसरे रूप यानी कि तीसरे डाक बम, तीसरे कांवरिया जो यहाँ पहुँचते हैं जिसे कि डंडी बम कहा जाता है, कष्टी बम भी कहा जाता है, उनके रूप का मैं दर्शन कराता हूँ। पहले आप देखें ये देखिए, ये जो आ रहे हैं दंड देते हुए कांवरिया आ रहे हैं, और ये पूरे सुल्तानगंज से ये ऐसे ही आ रहे हैं, और कितनी आस्था इस तरह के भक्तों की जुड़ी हुई है इस दरबार से, हम बात करते हैं। हमारे साथ कुछ डंडी बम भी हैं। बम जी ये बताएं कि आप लोग ये जो दंड देते हुए आते हैं जी, कितना कष्ट होता है इस रास्ते में और इसका कैसे मतलब कि कर पाते हैं ये पूरा सफर? कष्ट तो महादेव सबको है, कष्ट सबको है, ये बात नहीं है कि हमको कष्ट है, सब हमसे बेसिए कष्ट में जा रहा है। तो ये आप लोगों को कष्ट नहीं होता जो कि पूरा दंड देते हुए लेटते जी? नहीं, कुल महादेव का कृपा है। ये कितने दिन में ये सफर खत्म होता है आप लोगों का? सफर महीना दिन का टारगेट रहता है, एक महीना लग जाता है। हाँ, किन्हीं को 25 रोज लगता है, किन्हीं को 25 रोज लगता है। बम जी आप कहाँ से, सबसे पहले ये बताए कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर जिला से। ये कितने साल से आप इस रूप में ले आ रहे हैं डंडी बम के रूप में? दस वर्ष से। दस वर्ष हो गया। कष्ट नहीं होता है ये इस तरह एकदम लेटते लेटते दंड देते हुए आते हैं तो? बाबा का असीम कृपा है, वही इस रास्ते में ले आए हैं और वही अपना पैर लगा देते हैं। आपको ये बताएं, ये तो काफी कष्टदायक इनका सफर होता है, ये पूरे रास्ते इस तरह से दंड देते हुए आते हैं, सुबह ये लोग अपना सफर, अच्छा कैसे आप लोग करते हैं ये बताएं तो पूरा बात, सुबह से कैसे सफर शुरू होती है, फिर कहाँ खत्म होती है, फिर कैसे करते हैं, पहले आप अपनी बात बताएं। सवेरे जो है सो 4 बजे भोर में तैयार हो जाते हैं, 5 बजे से दंड देना शुरू कर देते हैं पूजा पाठ करके, और जल जो है सो उसी जगह छोड़ देते हैं, 12 बजे को स्नान करके और जल उठा करके जहाँ तक दंड दिया हुआ होता है वहाँ पर रख देते हैं, और फिर आराम विश्राम करके फिर दंड देना शुरू करते हैं, फिर उधर से आते हैं स्नान करके फिर जल को उठा करके वहाँ पूजा पाठ करके फिर विश्राम देते हैं, ऐसे ही हम लोग चलते हैं। ये सफर दिन में होता है आप लोगों का? हाँ, दिन में होता है, मैंने सूर्योदय के बाद सफर शुरू करते हैं। हाँ जी, और सूर्यास्त पे खत्म करते हैं। हाँ, आप ये समझिए बात को कि कितना इनका कष्टदायी ये सफर है। सूर्योदय जब होता है तब ये अपने सफर को शुरू करते हैं, और दंड देते हुए जहाँ सूर्यास्त हो जाता है वहाँ अपना सफर को ख़त्म करते हैं, और पुनः वहाँ से फिर वापस जाते हैं क्योंकि जहाँ से इन्होंने अपना सफर शुरू किया है वहाँ पर आपका जलपात्र वहीं पर छोड़ के आते हैं। जलपात्र जो है वहीं पर छोड़ के आते हैं क्योंकि ये दंड देते आते हैं इसलिए अपने जलपात्र को साथ में नहीं ले जा सकते हैं। तो यानी कि ये जो 105 किलोमीटर का सफ़र है इन लोगों को तिगुना सफ़र तय करना होता है, एक बार तो पूरी तरह 105 किलोमीटर ये सोते सोते करेंगे यानी दंड देते हुए करेंगे, उसके बाद पुनः जहां इनकी यात्रा ख़त्म होती है वहां से वो बैक जाएंगे क्योंकि वहां पर उनका जल रखा हुआ था, फिर वहां से जल लेके पुनः जहां समापन हुआ था वहां जाएंगे। पूरे 1 महीने लग जाता है आप लोगों को ये सफ़र में? इससे ज़्यादा भी लग जाता है। हाँ, कितनी आस्था जुड़ी हुई है कि इस तरह से आप लोग आते हैं यहाँ पर, और बाबा को आस्था इसी तरह है जो हम जो हैं, बाबा कहे जी इन साल बिना अथी अन्न का जाओ, फलहारी का जाओ, सिर्फ पानी और चाय पर में जाते हैं। सिर्फ पानी और चाय और फल खा कर आते हैं? फल नहीं खाते हैं। फल भी नहीं? नहीं, सिर्फ पानी पी करके और चाय पी करके। चाय पी करके, बिल्कुल। आप जितना भी कहा जाए आस्था के विषय में वो कम होगा क्योंकि आप जो ये रूप देख रहे हैं ये काफ़ी अनोखा रूप है भक्त का, ये काफ़ी अनोखा रूप है, और इस तरह से दंड देते हुए। बाबा ये बताएं कितने दिन में सफर पूरा हुआ ये? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा रहा सफर, कैसा रहा पहले ये बताइए? बहुत सुंदर, बहुत सुगम, बहुत सस्ता, बहुत आसान, बहुत अच्छा। कितना दिन लगा आपको यहाँ पहुँचने में? बाबा 1600 चले हैं। आज जो तारीख है 16 अगस्त को चले थे? जी हाँ, 16 जुलाई को जो शुरू हुई थी पिछला। हाँ, कैसा लगता है ये सफर? ये तो कष्ट तो बहुत होता होगा आप? बाबा कोई कष्ट नहीं, दानी दयालु बैठे हुए, कष्ट क्या? बाबा का नाम लेते सारा कष्ट दूर, कोई कष्ट नहीं, फिर कष्ट शब्द ही लुप्त हो जाता है, शब्द ही लुप्त हो जाता है। बिल्कुल, आप देखें कि इस बाबा के नाम में इतनी शक्ति, यहां तक नहीं जो इच्छा भोजन का होता है जी, वह प्राप्ति हो जाता है।
वो भी मिल जाता है। हाँ, जहाँ से मिले जैसे मिले, ये उनका दायित्व है, हम पाने वाले हो जाते हैं। कहाँ से आप लोग आते हैं, कहाँ आप लोग घर? घर बेगूसराय है बाबा। बेगूसराय जी, ये पूरी बेगूसराय की टोली है कि जगह जगह से लोग हैं? जी नहीं, जगह जगह से लोग हैं, जगह जगह से, भिन्न भिन्न जगह से लोग हैं। बिल्कुल, आप देखें ये भी आ रहे हैं, बम जी आ रहे हैं। हर हर महादेव, बोल बम 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 बोल बम। बम जी ये बताएं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बताएं। हम सुल्तानगंज से आ रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे रहने वाले कहाँ के? बेगूसराय के। ये कितने साल से इस तरह सफर कर रहे हैं, ये बताएं? ये दूसरा बार है। दूसरा बार, बिल्कुल ये दूसरे बार सफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जितने भी ये सब भक्त हैं, कई तो पिछले 10 वर्षों से लगातार जो है इस सफर को कर रहे हैं। आस्था जो है यहाँ पर देखने में बनती है, क्योंकि कहा भी किया गया है कि जो भक्त जितने कष्ट करके आएगा बाबा जो है वो जल्द प्रसन्न होंगे, और यही वजह होता है कि भक्त जो है तमाम कष्ट को झेल करके बाबा के दरबार में पहुँचते हैं और बाबा को जलार्पण करते हैं। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रजनीश कुमार, मिरर मीडिया, देवघर।